यही नीचे में शटरिंग लगा हुआ है जो कि देख सकते हैं पेयर टेबल में शटरिंग लगा हुआ है और इसको रिमूविंग का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर इसका जुगाड़ कैसे लगता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं और यही सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं इसका जो किस तरह से शटरिंग निकालने का जो काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं डी शटरिंग किया कैसे किया जाता है, जो शटरिंग को जो रिमूव करने का जो तरीका है वो देख सकते हैं यहाँ पर किरण के माध्यम से। यही वो जुगाड़ है जो कि देख सकते हैं शटरिंग उसके ऊपर रखा हुआ है और इसको रिमूव कर लिया गया है, जो मतलब इसके पेयर टेबल के जो अंदर जो शटरिंग लगा हुआ था उसको देख लीजिए किस तरह से किरण के माध्यम से जुगाड़ के माध्यम से इसको शटरिंग को रिमूव कर दिया गया, हटा लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखाएंगे। ये जो आप लोगों को दिख रहा है एक्स्ट्रा डोज टावर, जो अपर पाइलन का जो काम हो रहा था उसका समझ लीजिए कंक्रीटिंग का काम हो गया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए नज़दीक से दिखाते हैं और इसका किस तरह से फिनिशिंग का काम आया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डोज टावर है इसमें जो एक्स्ट्रा डोज केबल लगना है और ये एक्स्ट्रा डोज केबल है जो कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड में शटरिंग लगा हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसका अभी इसका शटरिंग भी पूरी तरह से रिमूव नहीं किया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं ऊपर में हूँ, अभी पेयर टेबल 50 नंबर के ऊपर हूँ और सामने का जो पाया है वो 51 नंबर का पाया है जो कि उसका पेयर टेबल अभी तक बना नहीं है। उसमें अभी देख लीजिए सरियाबंदी का काम चल रहा है और शटरिंग लगा हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है। बहुत जल्द जो है पेयर टेबल बनके तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को अपडेट दिया था इसके पहले वाले ब्लॉग में 56 नंबर 57 नंबर तक, जो लोग वो ब्लॉग को नहीं देखे हैं वो जाकर के देख ले। और ये 50 नंबर पाया के पास देख सकते हैं क्या क्या काम चल रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। जो एक्स्ट्रा डोज टावर है उसका देख लीजिए फर्स्ट लिफ्ट जो है ये ढलाई हो चुका है और इसका जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है वो 2-2 मीटर का है, मतलब 2 मीटर ये साइड से और 2 मीटर जो है सो समझ लीजिए ये साइड से। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो आपका थोड़ा सा ये पाया जो बन रहा है थोड़ा सा त्रिकोण बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 कोना है, एक यहाँ पर एक कोना है, एक बीच में सेंटर में कोना आप लोगों को दिख रहा होगा और एक वो साइड, त्रिकोण समझ लीजिए एक तरह से बन रहा है ये एक्स्ट्रा डोज टावर जो बन रहा है। और इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर का लेंथ है, मतलब 2 मीटर ये साइड 2 मीटर वो साइड, मतलब 2 मीटर बाय 2 मीटर कह सकते हैं यहाँ पर जो है सो इसका टावर बन रहा है, वो भी 2-2 टावर बन रहा है दोनों साइड से। मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा मशीन रखा हुआ है जो कि ये डायनेमिक का ही मशीन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मशीन एक्चुअली वो इसलिए रखा हुआ है, इसका ग्राउटिंग का काम बचा हुआ है, जो ग्राउट का जो काम है वो यहाँ पर बचा हुआ है। ये ग्राउटिंग मशीन रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राउट पंप है, उसके बाद ये मिक्सर मशीन है और ये वाला जो बड़ा वाला ड्रम जैसा दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर ही सीमेंट घोला जाएगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सीमेंट भी ला करके रख दिया गया है। ये सीमेंट भी ला के रख दिया गया है, इसके अंदर सीमेंट घोला जाता है। घोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है गेट वाल लगा हुआ है और जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद ये जो ग्राउट है, जो मतलब सीमेंट का जो समझ लीजिए घोला कह लीजिए, वो घोला इसके अंदर आएगा। इसके अंदर भी पंखरियाँ लगी हुई है और मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊं, इसमें भी पंखरी लगा हुआ है, अभी क्लीनिंग का काम थोड़ा बचा हुआ है इसमें, लेकिन अभी ये मिक्स होता रहेगा और इसके ज़रिए ये मिक्सर मशीन से ये वाला जो पम्प है, ये पम्प जो है सो डक्ट के अंदर जो पेयर टेबल बना हुआ है उसके अंदर डक्ट के अंदर ग्राउटिंग का जो काम होगा वो भी मैं आप लोगों को, अगर मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहा तो आप लोगों को तस्वीरें रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं गेटवाल जो लगा हुआ है उसके अंदर में ये साइड से बिल्कुल वो साइड जो है सो इसको ग्राउटिंग फिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक मटेरियल और भी आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेसिंग का भी मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है, जो केबल इसके अंदर पड़ता है उसको जो खींचने का काम होता है वो भी यहाँ पर इसका मशीन रखा हुआ है। और ग्राउटिंग से पहले जो उसके अंदर केबल डाल करके स्ट्रेसिंग किया गया है, मतलब ग्राउटिंग करने से पहले जो है उसके अंदर केबल डाला जाता है, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी बार वीडियो में अपडेट दिया हूँ, अब बताया भी हूँ हाउ टू स्ट्रेसिंग, हाउ टू डी स्ट्रेसिंग, सब वीडियो अब अवेलेबल है मेरे चैनल पर जो लोग नहीं देखे हैं स्ट्रेसिंग का काम। और जो नए लोग हैं, जो नए टेक्नीशियन है, जो नए फ्रेशर इंजीनियर है, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक जानकारी उसके अंदर है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर मैं दिया हूँ। जो लोग नए हैं, जो सीखना चाहते हैं स्ट्रेसिंग का काम, जो स्ट्रेसिंग का जो पंप है वो किस तरह से चलाना है वो भी मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से बताया, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर की वीडियो देखिए और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं केमिकल भी रखा हुआ है जो कि ग्राउटिंग के अंदर ही ये मिक्स होने वाला है, इसको बोलते हैं केमिकल भी रखा हुआ है, इसका नाम सीवेक्स 100 है जो कि 225 ग्राम का ये आता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं
इसमें लिखा हुआ है 225 ग्राम, उल्टा करके दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सीवेक्स 100 है और ये केमिकल है। और एक सीमेंट बैग में ये एक पैकेट पड़ता है जो यहाँ पर रखा हुआ। और ये बाजू में जो रखा हुआ है ये रेंडो प्लग इसको बोलते हैं, ये भी एक तरह से सीमेंट का समझ लीजिए मिक्सर है, केमिकल टाइप है जो कहीं पर लीकेज होता है इंस्टेंटली जो है उसको रिपेयर करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा। और तो फिर और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी हमारा छोटा चैनल है, अभी आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और किसी को अगर मुझसे बात करने का रहेगा तो इंस्टाग्राम पर भी आपको हम मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। यहाँ जो पाया आप लोग दिख रहा है ये 49 का जो पाया है वो दिख रहा होगा, उसका देख सकते हैं, इसका जो टावर का काम है उसका फर्स्ट लिफ्ट जिस तरह से इसका ढलाई हो गया है जो कि देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लिफ्ट जिस तरह से इसका कंक्रीटिंग का काम हुआ है उसी तरह से उसका भी फर्स्ट लिफ्ट कंक्रीट हो गया है। अपर पायलन का जो काम है देख सकते हैं, उसके अगर सेकेंड लिफ्ट भी उसका काम बचा हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप लोगों को मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। और तो यही अपडेट आप लोगों को देना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।